नमस्कार। सेक्स परफॉर्मेंस या सेक्स जो है पूरा ये सब्जेक्ट ही बहुत ही गहन है, दिलचस्प है, इंटरेस्टिंग है और इसमें जितना ज़्यादा आप स्टडी करोगे उतना ज़्यादा आपको मालूम पड़ेगा, ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें आते जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, जितना डीप आप जाएंगे उतना अच्छा है। अभी जब मैं रिसर्च कर रहा था तो रिसर्च में ये बताया गया कि यदि आप रेगुलरली सेक्स करते हैं तो ये 6 बीमारियों से आपको छुटकारा मिल सकता है, तो उसके बारे में आज बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में पिछले 41 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। रेगुलर सेक्स करना ये जरूरी है। ऐसा बोला जाता है कि ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति एक साल में 52 से 60 बार सेक्स करते हैं, एवरेज लोग, मतलब हफ्ते में एक बार करते हैं। नई नई शादी होती जब उम्र है 20 से लेकर 30 तो उस समय वो उम्र में काफ़ी बार सेक्स होता है, मतलब 4 बार 6 बार भी लोग करते हैं। कुछ लोग वीकेंड टैबलेट्स लेते हैं और शनिवार रविवार छुट्टी रहती है तो पूरी पूरे हफ्ते की कसर शनिवार रविवार को निकालेंगे वीकेंड टैबलेट लेके। जैसा भी मैंने वीकेंड टैबलेट का भी वीडियो डाला हुआ है तो वो वीकेंड टैबलेट के शनिवार रविवार फिर 2 बार 4 बार 6 बार करेंगे और एन्जॉय करेंगे। तो रेगुलर यदि सेक्स करते हैं तो उनमें कुछ बीमारियाँ जो है वो पाई नहीं गई या उनका मतलब इंसिडेंस कम है, वो ठीक हो जाती है या उनका कम से कम उनकी तकलीफ कम हो जाती है। जैसा कि नंबर एक, जो रेगुलर सेक्स करते हैं रिसर्च के अनुसार उनके पाया गया है कि उनको हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं। रिसर्च में ऐसा बताया गया है कि हफ्ते में 2 बार जो लोग सेक्स करते हैं उनको हार्ट अटैक के चांसेस कम है, क्योंकि उनका जब सेक्स करते हैं तो एक प्रकार की वो एक्सरसाइज है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और फिर उसमें नेचुरली आदमी फिट रहता है, तो इसलिए हार्ट अटैक आने के चांसेस कम है, नंबर एक। नंबर दो, डिप्रेशन। जो लोगों को न्यूरोटिक डिप्रेशन है और वो लोग रेगुलरली सेक्स करते हैं तो क्या होता है कि सेक्स जब करते हैं तब सेरोटोनिन और डोपामिन के लेवल्स जो है ब्रेन में वो बढ़ जाते हैं। सेरोटोनिन और डोपामिन ये जो है दो हार्मोन्स, यही तो कम रहते हैं डिप्रेशन में, और वो यदि बढ़ गए तो डिप्रेशन अच्छा हो जाएगा। तो जिनको जिनको डिप्रेशन है वो यदि रेगुलरली सेक्स करते हैं तो डेफिनेटली उनका डिप्रेशन ठीक हो सकता है। मगर प्रॉब्लम है कहीं कि डिप्रेशन हो गया तो सेक्स की इच्छा कम हो जाती है, विशेष साइकिल है, सेक्स की इच्छा कम हो जाती है, सेक्स कम करते इसलिए डिप्रेशन बढ़ता है और डिप्रेशन है करके सेक्स की इच्छा कम हो जाती है। तो ऐसे समय आप दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, PDE5 इनहिबिटर्स, और जो दवाई लेकर आप यदि सेक्स करते तो डेफिनेटली डिप्रेशन में फायदा होगा। नंबर तीन जो है वो है माइग्रेन। माइग्रेन के अटैक्स कम पाए गए जो रेगुलरली सेक्स करते हैं या माइग्रेन ठीक हुआ है ऐसा पाया गया है। उसमें एंडोर्फिन्स जो है, मतलब जब सेक्स करते हैं तो एंडोर्फिन ये जो एक हार्मोन है ये हार्मोन बढ़ जाता है भेजे में, और जब एंडोर्फिन की मात्रा बढ़ जाती है तो डेफिनेटली एंडोर्फिन ये पेन किलर है। एंडोर्फिन की मात्रा बढ़ती है ना तो दर्द कम करता है, तो नेचुरली हेडेक कम हो जाएगा, माइग्रेन का अटैक कम हो जाएगा। नंबर तीन, नींद। जिनको अनिद्रा है या जिनको नींद की बीमारी है तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि वो जो सेक्स का इस्तेमाल एक स्लीपिंग टैबलेट करके करते हैं, नींद की गोली, मतलब नींद आती नहीं है, सेक्स करो और उनको नींद आ जाती है। क्योंकि कुछ स्टडीज़ में ऐसा पाया गया है कि जब आप सेक्स करते हैं तो मेलाटोनिन की मात्रा बढ़ती है जिससे नींद आती है। नंबर दो, आप एक्सरसाइज करते हैं सेक्स में तो उसमें भी आप थक जाते हैं, और नंबर तीन, आपका जोश उत्साह जो है वो शांत हो जाता है तो उससे भी नींद आती है। तो नींद का प्रॉब्लम है वो सेक्स करके सोते हैं तो उनको फायदा होता है। नंबर पाँच, हैंगओवर। हैंगओवर लोगों को होता है, शराब पी के आते हैं या कोई भी चीज़ से यदि हैंगओवर है तो वो हैंगओवर में यदि आप सेक्स करते हैं तो डेफिनेटली हैंगओवर उतर जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि सेक्स में सेरोटोनिन लेवल बढ़ जाती है, और हैंगओवर यदि आपको है तो सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ गई ब्रेन में तो हैंगओवर का जो इफेक्ट है, मतलब हैंगओवर जो है वो कम हो जाता है।
तो हैंगओवर के लिए काम में आता है। पांच, और नंबर छह है जोड़ों का दर्द। जोड़ों का दर्द है इसलिए लोग सेक्स नहीं करते, और मैं बोलता हूँ सेक्स करो, जोड़ों का दर्द कम हो जाएगा। कि जोड़ों का दर्द जो है उसके लिए कॉर्टिसोन जो ये हार्मोन है वो बहुत जरूरी है, और सेक्स जब आप करते हैं तो कॉर्टिसोन की लेवल बढ़ जाती है, जिससे आपको जोड़ों के दर्द में फायदा होता है। तो ये छह बीमारियाँ रेगुलर सेक्स करने से ठीक हो सकती है, कम हो सकती है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपने वो दवाई तुरंत छोड़ देना है, आपके डॉक्टर से आप सलाह कर लो और दवाई लेते जाओ। दवाई लेने के बाद में यदि आप रेगुलरली सेक्स करते हैं और आपका यदि ये बीमारियां कम हो जाती है, तो नेचुरली आप दवाई बंद कर सकते हैं और सेक्स रेगुलरली कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यदि आप हमको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो हमारा उत्साह बढ़ जाता है वीडियो बनाने में। आप आपका ख्याल रखो, आपके परिवार का ख्याल रखो, क्योंकि आप बहुत बहुमूल्य हो। थैंक यू वेरी मच।